मेडिटेशन शुरू करने जा रहा हूँ और मेंस्ट्रुएशन से जो है से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जो है से इस चैप्टर को जो है से आपको शुरू से अंत तक वीडियो देखकर जो है से समझना होगा, क्योंकि इससे अधिक से कम जो है से 5 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का हो गया है, 25 नंबर जो है से कंपटीशन में मायने रखता है, इसलिए जो है से आप इसको शुरू से अंत तक वीडियो पर बना हुआ रहिएगा, ऐसे भी मैथ है नहीं बना हुआ रहिएगा, नहीं समझ पाएगा। और इसको जो है से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को भी जो है से शेयर कीजिए। तो देखिए मेंस्ट्रुएशन में क्या है, तो सबसे पहले जो है से मेंस्ट्रुएशन में क्या है कि मेंस्ट्रुएशन में बहुत सारा जो फार्मूला था उसको आपको जो है से कर्तव्य है कि आप सभी फार्मूला को जो है दुरुस्त करें। जैसे मान लिया कि इसमें पढ़ने के लिए आपको था क्या क्या था, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड इस तरह से पढ़ने के लिए था, और क्या पढ़ने के लिए था, तो आपको है सिलेंडर यानी बेलन, शंकु यानी कोण, उसके बाद स्फीयर यानी गोला, तो इसके सब ये सब सारी चीज को जो है से पढ़ना था, तो इस सारी चीज को जो है से आप सबको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपको कंप्लीट नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ पाइएगा, दिक्कत होगा। फिर इसके बाद जो है से आयत है, वर्ग है, स्क्वायर रेक्टेंगल वगैरह ये सब जो है, सर्किल है, तो ये सब तो निचली क्लास से ये सब तो जानते जान ही रहे हैं, लेकिन मेन रूप से जो 10th क्लास में है उसको आपको दुरुस्त रखना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस जो है मेन डिप्लोमा के लिए उसी का है ना, तो उसका है, तो उसको तो दुरुस्त आपको रखना ही है, और उससे कितने प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है सबको आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहले जो है फॉर्मूला का ही कुछ चर्चा करते हैं और इसके बाद देखते हैं कि आपको कंप्लीट है या नहीं। तो देखिए हम लिख दे रहे हैं आपको कि फार्मूला, फार्मूला का प्लूरल क्या होता है, फार्मूली, या जो है फार्मूला का क्या आ गया प्लूरल आपका आ गया फार्मूली। तो देखिए बहुत सा फार्मूला दे रहे हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मान लिया कि हम बता रहे हैं आपको, उसको समझिए, हम लिख रहे हैं वृत्तखंड। देखिए वृत्तखंड के बारे में समझना है, यह जो है से आपका वृत्त है, माने एक तरह से रोटी है, इसका मान लिया कि ऐसे हमने टुकड़ा कर खंड हो गया वृत्त का। तो देखिए बड़ा खंड हो गया, दीर्घ खंड आई, लघु खंड हो गया। हाँ एक होता है आपका क्या, त्रिज्य खंड, वृत्तखंड, यही आपका जो है यह कोण थीटा है।
केंद्र आपका वो थाना तो यही केंद्र होता। तो अगर मान लिया कि पूरा प्रीति रहता तो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण पड़ता, 360 डिग्री का, और इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता। तो देखिए इसको बता रहे हैं, बना रहे हैं कि चूंकि 360 डिग्री का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, इसलिए एक डिग्री का क्षेत्रफल आइए, इसलिए थीटा डिग्री अगर रहेगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल आपका त्रिज्याखंड का निकल जाएगा। तो एक में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360, आया क्या आ जाएगा थीटा में, तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 इंटू क्या आ जाएगा थीटा। तो इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या जाएगा, क्षेत्रफल बराबर आवाज से याद रखना है कि क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यह जो है से किसका क्षेत्रफल हो गया, तो यह है आपका जो है से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब त्रिज्याखंड जो है, त्रिज्याखंड का मान लिया कि चाप की लंबाई अगर बताना है, तो त्रिज्याखंड के चाप के लंबाई अगर बताना है, तो यानी इस चाप के लंबाई हुआ ना, तो इसको बताना है। तो देखिए ये लंबाई है, तो इसका लंबाई क्या होगा, तो इसको बताओ। तो यही आपका ये लंबाई है, यह त्रिज्या आपका आर है ना, तो यह भी जो है से क्या है, आर है। तो देखिए अगर पूरा प्रीत रहता तो केंद्र पर 360 डिग्री के कोण बनता, और 360 डिग्री के कोण बनता तो इसका मतलब कि चाप के लंबाई क्या हो जाता, तो चाप का लंबाई जो है से 2 पाई आर हो जाता। तो इसी तरह से जो है से यहाँ पर हम बना रहे हैं कि चूंकि डिग्री का चाप चाप के लंबाई आपका क्या आ गया, तो देखिए चाप का लंबाई आपका आ गया चाप लंबाई तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई क्या आ गया, आर आ गया। तो इसको भी ध्यान रखना। और मान लिया कि इसमें अगर परिमिति पूछा जाए, पेरीमीटर पूछा जाए कि पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर का मतलब आप समझते हैं क्या, परिमिति की बाउंड्री लाइन, लेंथ ऑफ द टोटल बाउंड्री लाइन, यानी टोटल बाउंड्री लाइन का लेंथ क्या हो। तो देखिए यह जो टुकड़ा है, तो ये लगता है एल तो हमने बता दिया, चाप की लंबाई एल बराबर तो हमने बता दी, तो यह हो जाएगा एल प्लस 2R, एल प्लस क्या जाएगा 2R, चूंकि आर है, आर है एल है, तो एल प्लस 2R, तो यह चाप की लंबाई। चलिए अब जो है से इसको हम बताते हैं, अब वृत्तखंड के बारे में आते हैं। तो देखिए वृत्तखंड के बारे में आइए, तो यह जो है से यह आपका हो गया दीर्घ वृत्तखंड, यह जो हो गया लघु वृत्तखंड हो गया। तो देखिए एक कल्पना कर लिए कि केंद्र से इसको मिला दिए, तो यार हो गया, तो ये भी यार। तो यह जो है से आपका क्या बन गया, बताना है लघु लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपको बताना है, तो आप खुद समझिए कि यह तो त्रिज्याखंड है, तो त्रिज्याखंड में से अगर त्रिभुज को हम घटा दें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर घटा दें, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा दें, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं, आराम से निकल जाएगा। तो चलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो अभी अभी हम बता फॉर्मूला बता दिए आपको कि थीटा बटे 360 इंटू क्या पाई आर स्क्वायर, इसमें से क्या घटा दीजिएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है
से आपको घटा देना है, घटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मान लिया कि यह जो है से कोण कितना का बन रहा है, थीटा का बन रहा है। तो अगर यह थीटा का बन रहा है तो एक बटे दो आर आर साइन थीटा। हम आपको क्या बताए थे, आपको बताए थे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आप देखिएगा, यानी त्रिभुज के गुण में हम आपको बताए थे कि अगर यह भुजा ए है, यह भुजा बी है, इसके बीच का कोण थीटा है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एक बटे दू ए बी साइन थीटा। तो बस यही लगा दिए फार्मूला, यह आर है, यह आर है, आई बीच का कोण थीटा अगर है तो एक बटे दू आर आर साइन थीटा, यह हो जाए। तो इस तरह से आ गया, आपको आ गया कि थीटा बटे 360 है गुने क्या पाई आर स्क्वायर माइनस एक बटे दू आर स्क्वायर साइन थीटा। अब एक बटे दू आर स्क्वायर कोई कॉमन ले सकता है, कॉमन क्यों लीजिएगा, ऐसे ही याद रखिए। तो यह जो है आपका क्या हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का हो गया। तो द्वितीयखंड और त्रिज्यखंड में जो है से भली भांति आप समझ गए कि अब इसमें जो है से गड़बड़ आपका नहीं होना चाहिए कि त्रिज्यखंड क्या त्रिज्यखंड। अब इसके बाद जो है से इसको मिटा के अगला कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, आप वीडियो में जो है से अच्छा से बना रहिएगा और एकदम जो है से जीड़ रहिएगा, आप हटिएगा नहीं, चाहे आपको कुछ भी काम ना जाए। तो देखिए आगे जो है से फार्मूला जो दे रहा है उसको ध्यान दीजिए। जस्ट इसके नीचे वाला का निकालिएगा तो यह भी तो एल बी होगा, लंबाई गुने चौड़ाई,
यानी कहने का मतलब है कि 2 LB। अगर इसका निकालिएगा तो यह आ गया लंबाई गुने क्या ऊंचाई। अब फिर जस्ट इसके उल्टा का निकालिएगा तो यह भी LH आ जाएगा, तो 2 LH। इसके बाद जो है से फिर अगर इसका निकालिएगा तो यह चौड़ाई गुने ऊंचाई तो BH, तो यह 2 BH आ जाएगा क्योंकि इधर का। तो इस तरह से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है से क्या आ गया, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेकर के क्या हमने लिख दिया, 2 LB जोड़ BH जोड़ LH, इस तरह से हो गया। अब इसके बाद जो है से चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालिएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चार ठो दीवार अगर लीजिएगा तो यह ऊपर वाला छोड़ दीजिए, नीचे वाला छोड़ दीजिए, इसलिए कि ऊपर वाला छत होगा नीचे वाला ही फर्श है, तो चार ठो दीवार ये है। तो चार दीवार तो एक दीवार के आइए, तो यह क्या हो गया लंबाई गुने ऊंचाई LH, 2 LH। एक ही आइएगा LH आएगा ना, तो इसका भी इधर भी LH, तो 2 LH लिख दिया। अब इसका आइए B into H माने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो इधर का भी 2, तो B into H तो 2 BH, 2 BH। तो इसके बाद नहीं होगा तो 2H कॉमन ले लीजिए, तो L+B सर 2H into L+B, तो देखिए यह हो गया आपका। अब इसका विकर्ण पर आते हैं, विकर्ण, तो अगर विकर्ण निकालिएगा तो लंबाई के स्क्वायर जोड़ चौड़ाई के स्क्वायर, विकर्ण का मतलब होता है होगा कि एक कोना से इस कोना नीचे वाला, तो यह है आपका क्या जाएगा L² + B² तो एक से कर्ण निकल जाएगा, ये कर्ण स्क्वायर आ गया। इसमें +H² कीजिएगा तो विकर्ण आ जाएगा, तो यह जो है से क्या आ गया विकर्ण आपका। चलिए तो घन, आप तो आप घन के बारे में आइए, तो घन के बारे में L = B = H क्योंकि वर्गाकार है ना, तो वर्गाकार जब डब्बा है, वर्गाकार बॉक्स है, तो LBH का मान क्या आएगा सिमाई। तो यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्रफल अगर आप निकालिएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया अगर निकालिएगा तो देखिए क्या बन जाएगा, L into L लिख दीजिए, LB है तो L into B है तो L into LA कर दीजिए, L into L कर दीजिए, 2 into क्या आ गया 3L² यानी कहने का मतलब है कि 6L² यानी 6 गुने भुजा के स्क्वायर आ गया संपूर्ण क्षेत्रफल, किसके लिए घन के लिए। अब इसके बाद जो है से चारों दीवारों का अगर एकरा में क्षेत्रफल निकालिएगा, चारों दीवारों, तो चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालिएगा तो बस इसी फॉर्मूला पर जो है से रिपीट हो जाइए, 2H है तो 2L लिख दे रहे हैं, विकर्ण अगर निकालिएगा तो विकर्ण भी आराम से निकाल सकते हैं, L² है प्लस L² है प्लस L² है, इसका क्या है अंडर रूट है, तो ये आपका आ गया 3L² का अंडर रूट, यानी कहने का मतलब है कि L√3, तो यह जो है से क्या √3 गुने भुजा आ गया, तो यह आपका विकर्ण है। इस तरह से जो है से घन घनाभ के बारे में आपका क्या हो गया, घन घनाभ के बारे में जो है से आइडिया हो गया, निकल गया। अब इसके बाद जो है से आइए, इसके बाद जो है से बताते हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। Thank you.
बताया था कि रोमबस में सभी भुजाएं जो है से क्या होता है, बराबर होता है। हाँ। और विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, लंबवत समविभाज्य करता है, या 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब प्रत्येक भुजा जो है से क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इस तरह से यह जो है से रोम्बस हो गया। तो एक विकर्ण की लंबाई जो है, पहला विकर्ण जो है से आपका क्या है, B1। अब दूसरा विकर्ण जो है से आप मान लीजिए D2, माने डायगोनल सेकंड। तो इसका क्षेत्रफल यानी एरिया जो आपका आ जाएगा, वो आ जाता है क्या, 1/2 D1 इंटू क्या आ जाएगा, D2 आ जाएगा। अब इसके बाद जो है से कभी कभी आपका क्या रहेगा कि विकर्ण दे देगा तो साइड निकालने के लिए रहेगा, तो साइड निकालने के लिए रहेगा। तो वह जो है से हम लोग प्रॉब्लम में जो है से उसको देख ले सकते हैं। तो ऐसे अगर बनाना चाहिएगा तो मान लिया कि इसको अगर निकाल के देखिए, ऐसे निकाल के वो देख लीजिए। तो देखिए यह अगर पूरा D1 है तो D1/2 है, और देखिए यह 90 डिग्री है आपका। तो ये है, तो यह समकोण त्रिभुज का मामला हो गया। तो आप तो आराम से बना ही लीजिएगा, ये स्क्वायर बराबर क्या, D1/2 के स्क्वायर है। वर्ग एक प्रकार का रोम्बस है। तो इसमें D1 बराबर D2 बराबर D होता है, D माना, क्योंकि सब जो है से आपका बराबर आएगा, लेकिन इसमें D1 D2 अलग अलग है। तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल जो है से आप याद क्या रखते हैं, भुजा स्क्वायर। ऐसे भी कह सकते हैं कि 1/2 D स्क्वायर, यानी कि विकर्ण के स्क्वायर बाई 2 कर दीजिएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा। D1 और D2 सेम है ना, तो 1/2 D स्क्वायर। तो यह जो है से आपका वर्ग का क्षेत्रफल। इसके बाद जो है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। आयत तो आप जानते ही, आयत यानी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यदि। अच्छा, इसका एक पेरीमीटर बता दीजिए, पेरीमीटर परिमिति। परिमिति P बराबर क्या होगा, तो 4a हो जाएगा, क्योंकि a+a+a+a। हाँ, इसका भी अगर मान लिया कि परिमिति बताया जाए, परिमिति P बराबर, तो ये हो जाएगा 4a, 4 × भुजा। चलिए इसका आइए, इसका अगर परिमिति बताया जाए तो क्या जाएगा, तो देखिए इसका परिमिति क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल है तो L है, L है, B है, B है। तो L+B+L+B तो क्या आ गया, 2L+2B, यानी 2E2L+B। तो यह जो है आपका क्या आ गया, यह परिमिति है। चलिए अब थोड़ा सा आ जाइए क्या, समबाहु।
बाहु त्रिभुज देखिए यह है, प्रत्येक भुजा इसका ये है, और प्रत्येक कोण कई डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अगर मान लिया कि इसका कोई क्षेत्रफल पूछ दिया तो क्षेत्रफल ये बराबर आपको याद होगा रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अगर मान लिया कि कोई ऊंचाई पूछ दिया, ऊंचाई का मतलब भी वाला, तो √3/2 गुने भुजा। तो इस तरह से जो है अब क्या है कि आगे के फॉर्मूला को ले चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर्किल के तो जानते ही होंगे, सर्कल वृत्त है, तो देखिए यह एक वृत्त है, इसका केंद्र है और यह त्रिज्या आकार है, तो इसका एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसका परिधि क्या होता है, परिधि 2πr। सेमी सर्किल अगर है, अच्छा इसका परिधि या परिमिति कहिए, अगर सेमी सर्किल रहेगा तो सेमी सर्किल का भी बनाइए लीजिएगा। अब इसके बाद जो है से हम आते हैं क्या, किस पर आते हैं, चलिए अब आते हैं सिलेंडर पर। मतलब हो गया बेलन, तो देखिए अगर बेलन पर आइएगा तो बेलन के बारे में आइए देखते हैं। देखिए यह जो है से आपका बेलन है, बेलन की ऊंचाई आपका है, यह जो है से त्रिज्या आकार है। मान लिया कि कोई कागज का टुकड़ा है, इस तरह से कागज का टुकड़ा है, और इस कागज के टुकड़ा को इसकी इसका चौड़ाई कहिए एच है, और इसको जो है से यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि गोंद लगा दिया, और गोंद लगा करके इसको क्या कर दिया कि ऐसे गोला जो है से करके ऐसे बेलन बना दिया, यहाँ से ऐसे जब इसको मोड़ दिया तो यहाँ सट गया, इस तरह से क्या बन गया, यह बेलन बन गया। अगर ये बेलन बन गया है तो इसको मान लिया कि ब्लेड लगा करके ऐसे जो है से अगर ऐसे फाड़ दें, और इसके बाद ऐसे इसको जो है से क्या करें पसार दें, तो बिल्कुल यह जो है से आयत बन जाएगा। तो यह देखिए यह तो गोलाकार है ना, सर्किल है, तो यह आ जाएगा आपका 2πr। ये क्या है 2πr, और इसी को अगर ऐसे प्लेन लगा करके धार के ऐसे कर दिया है तो यही ना 2πr होगा, 2πr हो जाएगा, ऐसे आ गया। अगर मान लिया कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, तो देखिए ये आयत है, तो अगर मान लिया कि इस तरह का अगर जो है से आकृति बन गया है, तो इस तरह का आकृति अगर बन गया है,
अच्छा इसको जो है सर इसका क्षेत्रफल वक्र पीठ का क्षेत्रफल क्या आ गया तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने क्या आ गया चौड़ाई, तो लंबाई आपका आ गया 2πr और चौड़ाई h है तो 2πr h, तो वक्र पीठ का क्षेत्रफल आपको क्या आ गया 2πr h। अब आइए संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया तो 2πrh आपको हो गया, ई पोर्शन हो गया। आ इसके बाद दोनों तरफ से जो सर्किल बच गया ई वाला, ई वाला संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इधर πr² है इधर πr², तो πr² जोड़ πr² क्या है 2πr². अब इसको ऐसे कह सकते हैं कि 2πr कॉमन ले लिया h प्लस r, तो यह आ गया क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको समझना है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर कहे या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको कहा जा रहा है, तो आपको यही समझना है कि इसमें जो है से कपड़ा का खोल लगाना, कोई चीज है तो उसमें कपड़ा का खोल लगाना है तो कितना कपड़ा इसमें लगेगा, जितना कपड़ा लगेगा वही जो है से आपका क्या हो गया वही आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। तो मान लिया कि इस तरह से कोई ढोलक है आ इसको कपड़ा के खोल लगाना है, इसको मढ़वाना है, तो किसी दर्जी के पास आप ले गए आ इसके बाद जो है से दर्जी से आप पूछ रहे हैं कि इसमें कपड़ा का खोल अगर लगाएंगे तो कितना कपड़ा लगेगा, यह एक्यूरेट बता दीजिए। तो मेरे समझ से जो है से वह जो है से एक्यूरेट नहीं बता पाएगा कि आखिर कितना कपड़ा लगेगा, ऐसे आपको जो है से कह देगा कि 2 मीटर ले लीजिएगा हो जाएगा, वैसा नहीं बिल्कुल एक्यूरेट बताना है तो वह एक्यूरेट बताने में असमर्थ हो जाएगा। तो देखिए आप एक्यूरेट बता सकते हैं अगर इस प्रकार का ढोलक है तो अगर वक्र पीठ का क्षेत्रफल निकालना है तो कहने का मतलब है कि सिर्फ गोलाई में जो है से कपड़ा का खोल लगाना है, तो यह जो है से 2πrh इतना कपड़ा लगेगा, यानी कहने का मतलब है कि इसे ढोलक की त्रिज्या को अगर बता दे आ इसकी अगर लंबाई यानी ऊंचाई को, ऊंचाई यानी लंबाई हो गया, तो अगर इसको बता दे तो बताया जा सकता है कि आखिर वक्र पीठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इस ढोलक को मढ़ाने में जो है से कितना कपड़ा लगेगा। और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि इसको तो मढ़ाइए रहे हैं और साथ ही साथ ही बजाने वाला जो ये दोनों तरफ है, ये दोनों तरफ बजाने वाला जो पोर्शन हो गया जेकरा में चमड़ा लगा हुआ है तो वह अभी जो है सब ओपरो में कपड़ा के खोल लगा, तो वह हो गया संपूर्ण पेट का जाएगा 2πrh, तो ये तो साइड वाला हो गया और प्लस इधर πr² ये वाला वृत्त हो गया और इधर वृत्त πr² तो प्लस 2πr² और 2πr कॉमन अगर ले लिए तो h प्लस r, तो इस तरह से जो है सही इतना कपड़ा आपको क्या टोटल लगेगा। तो यह आपका हो गया क्या बेलन हो गया, तो बेलन के बारे में जो है से आप भली भांति जो है से समझ गए। अब इसके बाद जो है से अब आइए कोण यानी शंकु, तो शंकु देखिए कोण आइए शंकु, शंकु का मतलब हो गया कोण। तो देखिए यह एक बेलन है, इस बेलन की ऊंचाई जो है से आपका h है, इसकी त्रिज्या क्या है। अब इसके बाद हमने क्या किया कि इसी त्रिज्या का एक जो है और इसी ऊंचाई, मान लिया यह जो है से ऊंचाई आया ना, तो इसी ऊंचाई का एक शंकु बना दिया। देखिए यह शंकु बन गया, इसी त्रिज्या और इसी ऊंचाई का सेम त्रिज्या, माने जिस बेलन की त्रिज्या आर था तो शंकु के त्रिज्या भी आर है, आ इसकी ऊंचाई जो है सी एच था तो इसकी ऊंचाई भी क्या है एच है। तो इसके बाद ऐसा देखा जाता है कि अगर यह मान लिया कि यह पात्र जो है से खाली है, समझिए कि ड्राम है, तो यह जो है से एक प्रकार का टीप समझिए, कीप समझिए, क्यूब है, तो अगर इससे 3 बार पानी भर करके इसमें डाला जाए तो यह
यह जो है से मेलन क्या हो जाएगा कि पानी से लबालब भर जाएगा, यह जो है से मेलन क्या हो जाएगा, तो इस बर्तन से अगर तीन बार इसमें पानी डाला जाए तो यह बेलन यह सिलेंडर जो है से पानी से लबालब भर जाएगा। तो इसका मतलब कि एक बेलन का कैपेसिटी जो है, बेलन का आपका कैपेसिटी क्या है, तो तीन गुने शंकु, तीन गुने क्या आपका है शंकु। अच्छा देखिए यहाँ पर सिलेंडर का आयतन हमने ना बताया था, आयतन बता रहे हैं, दरअसल ध्यान रखिए। देखिए अब आयतन का मतलब होता है, आयतन का मतलब सबसे पहले आपको समझना है, कोई बॉडी और स्पेस में जो जगह छेकता है उसको आयतन कहते हैं, कोई बॉडी या स्पेस में जो जगह छेकता है उसको आयतन कहते हैं। जैसे मान लिया कि आप लोग जो है, हम लोग जो है से खड़ा है यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ नहीं रहते तो इसके जगह पर हवा रहती, तो इसका मतलब हमने जो है से स्पेस में जगह छेक रखा है, तो उसी को आयतन उसी का निकाला जा सकता है जो स्पेस में जगह छेक रहा है। जैसे मान लिया कि कोई कहेगा कि वृत्त का आयतन, तो वृत्त माना गया है, वृत्त को जो डिफाइन किया गया है, तो वह स्पेस में जगह नहीं छेकता है, वह 2D होता है, वह 3D नहीं होता है। कहने का मतलब है कि उसमें लंबाई चौड़ाई है बट ऊंचाई जो है सो उसमें नहीं। तो इसलिए मान लिया कि अगर आपको कोई कहेगा कि वृत्त का आयतन क्या होगा, तो वृत्त का आयतन क्या बताइएगा, वृत्त का आयतन आपको बताना है कि 0 होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई तो है बट ऊंचाई नहीं है। त्रिभुज का आयतन क्या होगा, तो 0 होगा। आयत का आयतन बताइए 0 होगा। वर्ग का आयतन बताइए 0 होगा। इसलिए कि ये सब 2D आयतन उसी का निकाला जा सकता है जो 3D है, यानी 3D है। तो देखिए मान लिया कि एक रोटी लिए, एक रोटी को जो है से हमने सरफेस पर रख दिया, और उसी साइज का अगर 10 रोटी लिया, उस पर रोटी रख दिया, उस पर रख दिया, तो इस तरह से इतना ऊंचाई हो गया तो वह आपका बेलन बन जाएगा। तो अगर आयतन मान लिया कि आयतन निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है, तो देखिए किसी चीज का आयतन का मतलब होता है LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। एल और बी को अगर गुना कर दिया जाए, यानी दो बार अगर लेंथ को गुना कर दिया जाए, तो वह एरिया बन जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई को बड़ा लिख दे एरिया, इनटू क्या H। अब इसके बाद आ जाइए, एरिया का मतलब हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो रोटी पर रोटी, रोटी पर रोटी, रोटी पर रोटी सरियाते हम चले गए, तो इस तरह से एक बेलन बन गया। तो इसके वक्रपिंड का क्षेत्रफल आपको ई वाला जो हो गया, तो आप बताइए इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, पाईआरएस का वृत्त जैसा है ना, पाईआरएस का। तो पाई आर स्क्वायर इस कितना ऊंचाई तक सरियाए हैं, ये ऊंचाई तक पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यह जो है से आपका क्या, यह है आपका बेलन का आयतन। अब आइए बेलन के आयतन, तब यहाँ पर आते हैं। यहाँ अभी अभी हमने क्या बताया कि अगर मान लिया कि बेलन की त्रिज्या जितना है और ऊंचाई जितना है, इतना ही त्रिज्या इतना ही ऊंचाई का, जब हमने एक शंकु बना लिया और इस पात्र से पानी भरकर और तीन बार जब इस ड्रम में हमने डाला, तो यह जो है से बेलन पानी से लबालब जो है से भर गया। तो इसका मतलब कि एक बेलन की कैपेसिटी जो है से तीन शंकु के बराबर है, कब, जब उसकी त्रिज्या और ऊंचाई जो है से उसी के बराबर है, यानी बेलन के बराबर शंकु का भी है। तो बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, आई तीन गुने क्या शंकु आ गया, तो तीन गुने शंकु बराबर पाई आर स्क्वायर एच आ गया। इसलिए शंकु का अगर आयतन कोई पूछेगा, शंकु का आयतन, तो कह सकते हैं ना कि पाई आर स्क्वायर एच आई इधर चला जाएगा बटन, तो क्या कह देंगे बताइए, पाई आर स्क्वायर एच बटे तीन। तो यह जो हो गया आपका क्या आ गया, यह शंकु का आयतन आ गया। आज से याद रखिएगा कि शंकु का आयतन क्या होगा, तो यह जो है से बेलन के आयतन का तिहाई भाग हो जाएगा। अब इसके बाद आइएगा, इसको कहा जाता है तिरछी ऊंचाई, इस कोण को कहा जाता है थीटा।
का क्या है और शीर्ष कोण है। तो टेन थीटा बराबर अगर निकालें तो लंब बाई, बोली यार बाई एच आ जाएगा, लंब बाई क्या जाएगा आधार आर बाई एच। थीटा आपका क्या है, तो थीटा आपका है अर्ध अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण। इसके बाद इस समकोण त्रिभुज में एक बात और दिख रहा है जिसको आप जो है से ध्यान रखिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बराबर क्या आर स्क्वायर प्लस एल। देखिए इस समकोण त्रिभुज में आप बता दिए तो आपको यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब मान लिया कि इस तरह का जो है अगर फिगर बन गया तो इसके संपूर्ण पेज का क्षेत्रफल या वक्र पेज का क्षेत्रफल निकालना है तो समझिए कितना जो है से बिग टास्क है आपका, बिल्कुल जो है से बहुत बिग टास्क है आपको। तो देखिए इस इसको जो है से क्या है कि इसको देखते हैं, तो देखिए इसको मिटा रहे हैं सिलेंडर वाला मिटा करके और उसको जो है से सोल्व करने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पर जो है से अब आइए बिग, यहाँ पर वक्र पेज का क्षेत्रफल जो है से हम कैसे निकालेंगे इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए यह मान लिया कि क्या है कि वृत्ताकार भाग है माने सर्किल जैसा है और इसका लंबाई जो इसकी त्रिज्या जो है से एल है। तो देखिए इसकी त्रिज्या एल है और यह जो है से त्रिज्यखंड है, त्रिज्या आपका एल है और इस त्रिज्यखंड को जो है से हमने क्या कर दिया कि निकाल दिया, यह एल आपका। तो जब एल था इसको क्या कर दिया कि यहाँ पर जो है से ऐसे गोंद लगा दी और ऐसे जब मोड़ दिए तो यह जो है से शंकु जैसा बन गया। यह आपका जब मोड़ दिए तो ये वाला पोर्शन में जाके यहाँ सट गया तो ऐसे शंकु बन गया। तो यह तो क्लियर है कि आपका एल है और यह जो आएगा, यह जो आएगा ये क्या आएगा, यह तो वृत्त हो गया तो टू पाई एल, टू पाई आर होगा ना वृत्त के परिधि, तो यही आपका जो है से टू पाई एल, टू पाई एल। देखिए यही है। तो मान लिया कि अगर ये वृत्त के रूप में रहता तो इसका परिधि क्या होता, टू पाई, टू पाई जो है क्या है कि देखिए यह जो है से इसके त्रिज्या को हमने क्या मान लिया है, एल मान लिया है। तो एल अगर मान लिया है अच्छा इस कोण को जो है से हमने क्या कर दिया कि थीटा मान लिया। तो अगर टू पाई एल जो है से अगर लेंथ मान लिया कि रहता है तो देखिए अब हम ऐसे निकाल रहे हैं क्योंकि टू पाई एल चाप का क्षेत्रफल पाई एल स्क्वायर है। देखिए अगर मान लिया कि टू पाई एल लेंथ है माने वृत्त का चाप जो यदि वृत्त जो है तो वृत्त का पूरा परिधि टू पाई एल होगा ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, तो त्रिज्या को अगर एल मान लिया है तो क्षेत्रफल पाई एल स्क्वायर होता है ना, तो पाई एल स्क्वायर हो जाएगा। तो चूंकि टू पाई एल चाप का क्षेत्रफल पाई एल स्क्वायर होता है इसलिए इसलिए क्या आ जाएगा, टू पाई एल जो है, टू पाई एल जो है से इसका क्षेत्रफल क्या जाता है पाई एल स्क्वायर आता है। तो पाई एल स्क्वायर आता है तो इसके बाद हम निकालना चाह रहे हैं है? कि इसके वक्र पेज का क्षेत्रफल जो है से कितना आएगा, माने इस शेप का अगर कोई है तो इसमें अगर कपड़ा के घोल लगाना है हमको तो कितना कपड़ा लगेगा इसके बारे में जो है से हम बताना चाह रहे हैं। तो देखिए यह तो टू पाई एल का क्षेत्रफल क्या रहा है, पाई एल स्क्वायर आ रहा है। तो पाई एल स्क्वायर आ रहा है तो इसके बाद देखिए ऐसे ना हो जाएगा,
इसकी त्रिज्या को क्या मान लिए, इसकी त्रिज्या को आर मान लिए, कहीं तो टू पाई आर हो जाएगा, कहीं यही ना टू पाई आर हो जाएगा, टू पाई आर। यह आर त्रिज्या किसका है, इस शंकु जो बना उसका त्रिज्या है। इसको अगर मान लिया कि फाड़ करके फिर ऐसे किया जाए तो इसी से नहीं बना था, तो ये ऐसे बन गया। यह ले तो ये ले रह गया, लेकिन यह जो है से त्रिज्या मान लिया कि अगर आ रहा है तो यह टू पाई आ रह जाएगा, तो यह भी टू पाई आ रह जाएगा। तो देखिए चूंकि टू पाई एल माने टू पाई एल पूरा परिधि होगा, तो इसके इतना चाप का क्षेत्रफल जो है से पाई एल स्क्वायर होता है, इसलिए एक का ये तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो पाई एल स्क्वायर बाई टू पाई एल। तो देखिए एल से जो है पाई पाई कट गया, और इसके बाद एल से एक बार कट गया, तो एल बाई टू आ गया। इसलिए यह जो है से चाप के लंबाई या जो है से वृत्तखंड के रूप में, त्रिज्यखंड के रूप में जो है, तो इसका लंबाई ना आपको निकालना है, तो टू पाई आर। तो इस चाप की लंबाई का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो एल बाई टू इंटू टू पाई आर। तो देखिए दो आ दो क्या हो गया आपका, कट गया, तो क्या आ गया पाई आर एल। तो यही जो है से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया आपका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है से क्या हो गया, तो पाई आर एल, जिसको यानी इस तरह से जो शंकु है, तो अगर इसमें कपड़ा के खोल लगाइएगा तो चारों तरफ जो कपड़ा लगेगा वो कितना लगेगा, तो पाई इंटू आर एक्स का त्रिज्या कोई बता दे, अतिरिक्षा लेंथ बता दे, तो इतना कपड़ा आपको लगेगा पाई आर एल। हाँ यही संपूर्ण पृष्ठ पर अगर आ जाइएगा, संपूर्ण पृष्ठ पर मान लिया आ गए, तो संपूर्ण पृष्ठ पर आ गए, तो इस तरह से जो है से ये कोई पोर्शन जो दिखाई दे रहा है जो सर्किल जैसा है, तो वो तो जोड़ना नहीं पड़ेगा, तो पाई आर एल प्लस बताइए पाई आर स्क्वायर। तो यह जो है से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको हो जाएगा। तो इस तरह से शंकु के बारे में जो है से हमने पूरा जानकारी दे दिया, अब जो है से गोला के बारे में भी जानकारी दे दिया। देखिए गोला जो है स्फीयर है, देखिए यह जो है से गोला है, तो मान लिया कि इसको चार पोर्शन में हमने काट दिया, तो देखिए इसमें चार शंकु बन गया, देखिए एक ही शंकु हो गया। गोला का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब इसके बाद आइए संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ, आइए संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए इसमें चार ठो जो है से क्या बन रहा है, सर्किल बन रहा है, एक दो तीन चार, चार सर्किल बन गया। तो जब चार सर्किल बन गया तो चारों सर्किल का जो एरिया है, अगर इतना एरिया ले लिया जाए तो यह अगर तरबूज है तो यह तरबूज पर अगर जो है से साठ दिया जाए तो यह तरबूज पूरा पूरा जो है से क्या हो जाएगा, ढक जाएगा।
जो चार गुने पाया रस्त है यानी पूर्ण पाया रस्त, तो यह गोला का क्या हो गया, यह संपूर्ण पृष्ठ हो गया। तो इस तरह से जो है सर गोला के बारे में समझ गए, अब जो है सर थोड़ा सा और तो गोला के बारे में समझ जाएंगे। बिल्कुल आधा आधी पका दिया, तो यह है आपका अर्ध गोला हो गया। तो बताइए यह त्रिज्या हो गया, तो इसका कोई आयतन कहेगा, आयतन तो क्या जाएगा बताइए, तो चार बटे तीन पाई आर क्यूब जो गोला का आयतन है इसमें दो से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो अर्ध गोला का आपका आयतन निकल जाएगा। यह जो है से आयतन अर्ध गोला का निकल जाएगा, दो से काट दीजिए दो तो नीचा है, तो दो बटे तीन क्या जाएगा पाई आर क्यूब। अब इसके बाद जो है मान लिया इसका संपूर्ण पृष्ठ कोई कहेगा, वक्र पृष्ठ कहेगा, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहेगा तो फोर पाई आर स्क्वायर गोला का आप जानते हैं, से भाग दे दीजिए आपका क्या जाएगा टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ अगर कोई कहेगा, इसमें संपूर्ण और वक्र अगर कहेगा गोला में तो दोनों का सेम होगा, आ इसमें संपूर्ण पृष्ठ अगर कोई कहेगा तो बताइए टू पाई आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर स्क्वायर, तो साइड वाला ऐसे तरबूज जो हुआ तो वह जो हरा पोर्शन है गोला हो गया, ऊपर वाला जो लाल का दिखाई दे रहा है लाल लाल तो वह भी तो एक सर्किल हो गया, तो वह पाई आर स्क्वायर, तो यह जो है से आपका क्या आ गया थ्री पाई आर स्क्वायर, तो यह क्या आ गया, तो यह है आपका गोला का अर्ध गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल थ्री पाई आर स्क्वायर, जबकि अर्ध गोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल टू पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है सही इसके बारे में समझ गए। अब जो है ऐसे अब आई है पिरामिड, तो देखिए पिरामिड का मतलब है कि जैसे मान के आप चलिए कि शंकु, तो शंकु एक प्रकार का पिरामिड है, यानी कहने का मतलब है कि एक मान लिया रोटी तो उससे उसके ऊपर उससे छोटा सा रोटी, उसके ऊपर उससे छोटा, ऐसे करते करते एक पॉइंट बना देना है, तो यह पिरामिड है। तो इसका आयतन भी बराबर आपको याद है एक बटे तीन क्या पाई आर स्क्वायर, तो आज से याद रखिएगा कि पिरामिड का आयतन बराबर एक बटे तीन गुने पाई आर स्क्वायर, तो वास्तव में ही है आधार का क्षेत्रफल, आधार क्षेत्रफल गुने क्या ऊंचाई, यानी आधार के क्षेत्रफल एक बटे तीन गुने आधार के क्षेत्रफल गुने ऊंचाई करते हैं तो पिरामिड का आयतन जो है से क्या हो जाता है निकल जाता है। और मान लिया कि कोई पिरामिड है जिसका आधार जो है से वर्गाकार है, इस तरह से लास्ट में जो है से उससे छोटा हमने बना दिया, तो देखिए यह पिरामिड बन गया, प्रत्येक भुजा ये है, तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो एक बटे तीन गुने बताइए आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल तो ये स्क्वायर चूंकि वर्गाकार है
लाइन की ऊंचाई है। और मान लिया कि कोई पिरामिड है जिसका आधार समबाहु त्रिभुज है, तो अगर मान लिया कि यह जो है इसका आयतन अगर निकालने के लिए रहेगा तो 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल तो समबाहु त्रिभुज है, कि आपका आधार जो है से वर्ग है। पिरामिड का जो है से आयतन हमने निकालने के लिए बताया, तो यह जो है से बिल्कुल क्या हो जाता है, बिंदु हो जाता है। और एक चीज और समझ लीजिए, तो देखिए प्रिज्म का मतलब है कि यह जो है से आपका प्रिज्म हो गया, माने जो नीचे आधार है यही आधार ऊपर भी चला जाएगा। तो बताइए इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है कि आधार का क्षेत्रफल। अब गुने कौन सी ऊंचाई, अब इस तरह से मान लिया कि कोई पिरामिड जो है से ऐसे बना दिया, फ्रिज में जो है से ऐसे बना दिया, शंभु त्रिभुज है ये है। तो इसका मान लिया कि अगर आयतन निकालने के लिए रहेगा तो आधार का क्षेत्रफल बताइए, तो इस तरह से जो है मान लिया कि कोई जो है से वर्ग है, इसका आधार वर्ग है, स्लाइस ब्रेड है, तो इसके बाद यहाँ भी एक स्लाइस ब्रेड जो है से डाल देंगे, स्लाइस ब्रेड पर स्लाइस ब्रेड, तो इस तरह से ऐसे बन गया। तो इसका अगर आयतन कोई कहेगा तो भुजा स्क्वायर क्या कहेगा, ये स्क्वायर है, ये गलत हो गया ना, यह समबाहु त्रिभुज था, तो √3/4 a² है। तो इस तरह से प्रिज्म पिरामिड जो है से हो गया। तो आज जो है से बस इतना ही है, क्लास को जो है सही कर रहे हैं और इसी पर जो है से अंत कर रहे हैं, जितना फार्मूला बताए सब फार्मूला को जो है शुरू से अंत तक वीडियो में जो है से बना हुआ रहिएगा, शुरू से अंत तक बनकर जो है से देखिएगा, तभी जो है से सारा फार्मूला आपको जो है से क्लियर हो पाएगा। अधिकांश फार्मूला को मैंने बता दिया, कुछ ही दूसरे फार्मूला जो है जो बच गया है उसको हम बता देंगे। तो आप फार्मूला को बढ़िया से समझ लीजिएगा, चूंकि रटिएगा तो रटने के बाद जो है से कितना रट पाइएगा। तो आज का बस जो है से इतना ही वीडियो जो है से बना रहे हैं और शुरू से अंत तक जो है से बना रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ जो है से मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ।